हाय गाइस, आज हम लोग शोल्डर वर्कआउट करने वाले हैं। भिन्न भिन्न रकम से अपना शोल्डर को हम लोग ट्रेन करेंगे बहुत ही अच्छे से। आप लोग अच्छे से देखिएगा, पूरा वॉच करिएगा, समझ में आप लोगों शोल्डर में क्या क्या वर्कआउट करना है। ये 5-4 आइटम आपको शोल्डर के लिए इनफ है। पहले हम लोग अच्छे से शोल्डर को मोबिलिटी करेंगे, अच्छे से 15 मिनट कम से कम अच्छे से मोबिलिटी करने के बाद उसके बाद हम अपना शोल्डर का वर्कआउट स्टार्ट करेंगे। ओके गाइस, फर्स्ट हम ट्रेन करेंगे आपका डंबल प्रेस। मेरा वैसी वेट नहीं है, 12 केजीज है। 12 केजी से हम लोग ट्रेन करेंगे डंबल प्रेस आपका 12 रेप और 4 सेट्स। उसके बाद हम लोग ट्रेन करेंगे आपका सेकंड एक्सरसाइज साइड लेटरल। साइड लेटरल शोल्डर के लिए बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज है। आप लोग साइड लेटरल हमेशा फील लेके मारिएगा, रियल डेट के लिए बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज है शोल्डर के लिए। उसके बाद हम लोग ट्रेन करेंगे मशीन प्रेस। जिसके जिम में मशीन प्रेस नहीं होगा वो और इसका ऑल्टरनेटिव आर्नोल्ड प्रेस मार सकते हैं डंबल से। वो भी बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइज है आर्नोल्ड प्रेस एंड मशीन प्रेस भी। फोर्थ एक्सरसाइज है आपका फ्रंट रेस। फ्रंट रेस सब बारबल से मारते हैं बट मैं प्लेट से मारता हूँ। प्लेट में बहुत ही अच्छा इफेक्ट आता है आपका फ्रंट शोल्डर के लिए, तो आप लोग प्लेट से मारा करिएगा। प्लेट से बहुत ही अच्छा एकदम स्लो प्रोसेस में मारा करिएगा, देखिएगा बहुत ही अच्छा फील आने वाला है। ये आपका उसके बाद पैक डेक फ्लाई, बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज है आपका बैक शोल्डर के लिए, बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज है। आप लोग शोल्डर का वर्कआउट कंप्लीट करेंगे सर्क से। सर्क्स बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज है, बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइज है शोल्डर के लिए। जिसके जिम में ये मशीन नहीं होगा वो अपना अल्टरनेटिव डंबल लेके सर्क्स कर सकते हैं, बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइज है। ज़रूर अपने लास्ट में सर्क्स से कम्प्लीट करना है एक्सरसाइज। बहुत ही अच्छा से हम लोग का शोल्डर वर्कआउट कम्प्लीट हो गया, देख सकते हैं पंप क्या पंप आया है, अमेजिंग पंप है। ये 6 वर्कआउट अपने शोल्डर में ज़रूर ऐड करिएगा, बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा प्लीज़।